हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अभी अगर आपसे कुछ दे दे कोई ऐसा संख्या 4, 4, 6, 7, x, 9 है ना, बोले कि x का लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब छोटी सी छोटी वैल्यू x का क्या होगा कि ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा है क्या, जैसे कि 3 में होता था कि 3 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक ऐसे ही 9 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम एक बार जोड़ लेंगे अंक, तो 4 + 4 + 6 + 7 + x + 9 आए कितना आएगा, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14 और 7, 21, 21 और 9, 30 और x आपका बचा हुआ है, यानी इन सारे अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 प्लस x आएगा। अब ये 30 प्लस x किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, x जो है वो क्या है, यहां पे एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, x कभी भी 2 डिजिट नहीं हो सकता। जब भी x की वैल्यू बीच में आ रही है तो केवल एक डिजिट की बात वो कर रहा है। तो एक डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होते हैं भाई, 0 से 9 ही तो होते हैं सिंगल डिजिट, 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 या 8 या 9। अब हम इन्हीं में से चूज करना है कि कौन सी वैल्यू यहां पे फिट करें कि ये डिविजिबल हो जाए। लेकिन उसने क्या बोला, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटा मान क्या होगा, छोटा से छोटा, इसे दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, x का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि जो ये संख्या है आपकी वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो भाई छोटे से छोटे हम आगे से चेक करेंगे, 30 तो है ये, 30 9 से डिविजिबल होता है क्या, अगर 0 जोड़ेंगे तो 30 ही तो आएगा, 30 9 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है, 27 तक जाता है, फिर आपका 3 शेष आ जाएगा। तो सबसे पहली संख्या 30 के ऊपर कौन से डिविजिबल होती है, 36 होती है, यानी x का मान अगर 6 होता तो क्या होता, ये वैल्यू 9 से डिविजिबल होती, क्योंकि x का मान अगर हम 6 चूज कर लें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 चार बार जाएगा तो 36 आ जाएगा, यानी कि उसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर वो बोलता है बिगेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट वैल्यू कहता तो भी हमारा उत्तर 6 ही होता, क्योंकि 6 से आगे, अभी देखिए 36 है, 36 में अगर 9 में और जोड़ दूं तो 45/9 भी डिविजिबल है, लेकिन 30 से 45 पे जाने के लिए उसमें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, लेकिन 15 क्या है, 2 डिजिट का संख्या है, इसलिए 15 तो यहाँ पे नहीं आएगा, केवल और केवल 6 पॉसिबल है। तो वो चाहे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछे, वो चाहे लार्जेस्ट वैल्यू पूछे, x का मान क्या होगा, 6 ही होगा 9 से। अगर इसी में पूछ लेता, इतना आपको क्लियर है, आगे बढ़ जाए, इसी में पूछ लेता कि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो जो भी योग है उसे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछता तो फिर से हम चेक करते, भाई सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, 30 तो खुद ही डिविजिबल है, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो यहां पे क्या आएगा, अगर x 0 हो जाए तो क्या आएगा, 30/3 यानी कि 10। तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 पे ही रखने पे ये क्या नंबर हो जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू की बात करूं तो भाई देखो, 3 तो डिविजिबल है, मैं अगर 9 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 39, और 39 भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। अगर x की वैल्यू 9 रखूं तो 39/3 और ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इसी में पूछता कि हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल, कितने वैल्यू, कितने मान संभव हैं ताकि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो। तो अभी जब पॉसिबिलिटी की बात आए, जब ये हाउ मेनी पूछे, तब वो सीधा सीधा ये वैल्यू नहीं पूछता, वो ये पूछना चाहता है कि आपके कितने ऐसे वैल्यू हैं इनमें से जो सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी देखिए, 30 तो डिविजिबल था ही,
यानी जीरो रखेंगे तो भी हो जाएगा, तीन रखेंगे तो भी हो जाएगा, छः रखेंगे तो भी हो जाएगा और नौ रखेंगे तो भी हो जाएगा, यानी कि कुल कितने मान संभव हैं? बोलो भाई, चार मान संभव हैं आपके, जो यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आपका क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा थ्री से। तो डिविजिबिलिटी पे जैसा कि आपने तीन से देखा, नौ से देखा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर थोड़ा हम क्वेश्चन के स्टैंडर्ड और बढ़ाएं, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को और लेके चलते हैं थोड़ा सा, और केसेस देखते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हम अक्सर इसे जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं उतना ध्यान से, लेकिन एग्जाम में जब आ जाता है तो आसान क्वेश्चन का नंबर गंवाना सबसे ज्यादा गलती करने का काम है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो एग्जाम में आप आसान क्वेश्चन ढूंढिए, आसान क्वेश्चन को करिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन एक्यूरेसी आपका मेंटेन रखेगा, टाइम लेस ले जाएगा, जिसके कारण आपके पास बाकी क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम अवेलेबल होंगे, उसके कारण आपका क्या होगा, टेम्परामेंट कूल रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जब भी भाई कोई भी पेपर होता है, पेपर का एक पूरा जो होता है, यानी है बोला जाए कि स्ट्रक्चर, तो उसमें 30-35% पेपर इजी होता है, कोई भी पेपर हो, ठीक है, से 10-20% पेपर टफ होता है, और जो बाकी होते हैं 60-55% वो क्या होते हैं आपके, मॉडरेट होते हैं। तो पेपर का ये मतलब नहीं कि आप जो भी क्वेश्चन पाओ वही करने लगो, पता लगे टफ क्वेश्चन आ गया आपके सामने यही करने लगो, नहीं, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप इजी और मॉडरेट पे ध्यान दो, यानी कि यहीं पे पहले पकड़ो, ये तो बाद में रखो, जब आपके पास टाइम सेव हो तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप यहाँ पे पहले ही समय मत गवाओ, क्योंकि सही रणनीति ही आपको सफलता के सबसे नजदीक ले जाएगी। तो नए क्वेश्चन पे आते हैं, मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन रखे 1, 2, 6, 9, x4, ठीक, अभी बोले कि आपसे कि x का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, छोटा सा छोटा मान बताओ कि ये संख्या डिविजिबल बाई क्या हो, 4 हो, है ना, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी कि ये जो पूरी आपकी संख्या है 1, 2, 6, 9, x4 वो क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि अंतिम के दो डिजिट, यानी कि क्या x और 4, क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें पूरे संख्या से मतलब नहीं है, हमें x से और 4 से मतलब है, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बाकी कुछ डिविजिबल हो या ना हो। तो भाई x का छोटा से छोटा मान क्या हो सकता है, आप जानते हो कि x केवल सिंगल डिजिट हो सकता है, तो छोटा से छोटा मान क्या है, 0, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 4, और ये डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल है, तो छोटा से छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसका उत्तर आएगा 0, ठीक, ये 4 से डिविजिबल बोलो। अगर इसी में पूछे कि x की लार्जेस्ट वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी कि ये 4 से डिविजिबल है, तो भाई देखो आप जान लो कि 0 से 9 के बीच में कहीं होगा, है ना, 0 पे है ही है, अगला कहां पे डिविजिबल होगा, 4 पे, इसकी वैल्यू 4 हो, 2 पे भी होगा, 24 अगर होगा यहां पे x की वैल्यू, तो 24/4 डिविजिबल होगा, 3 रखा जाए 34 नहीं होगा, 44 पे भी होगा, 54 नहीं होगा, 64 पे भी होगा, 74 नहीं होगा, 84 पे भी होगा डिविजिबल, 94 पे होगा क्या, 94 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, 8 होगा x का, कि ये संख्या 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि 84 4 से डिविजिबल है, इसलिए x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही पूछे आपसे कि x की कितने मान संभव हैं, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल, हाउ मेनी, कितने मान संभव हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा केयरनेस दिखानी है, क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कितने मान संभव हैं? एक तो आपने देखा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि कुल आपके पास कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, 5 वैल्यू पॉसिबल हैं। तो अगर आपका ऑप्शन दिया होता 4, 5, 3, 2, तो आपका उत्तर क्या होता,
पांच होता। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डिविजिबिलिटी का कि तीन से के लिए अंकों का योग तीन से डिविजिबल होना चाहिए, नौ के लिए अंकों का योग नौ से डिविजिबल होना चाहिए, चार से डिविजिबल होने के लिए अंतिम के दो अंक चार से डिविजिबल होने चाहिए, आठ से डिविजिबल होने के लिए अंतिम के तीन अंक आठ से डिविजिबल होने चाहिए, दो तो सिंपल सा है, दो पूछता नहीं है इतना आसानी से, दो का कहाँ पूछेगा, छः में पूछ लेगा। इसी को बोलेगा कि ये संख्या x का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ कि ये संख्या छः से डिविजिबल हो। छः से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा भाई, देखो क्योंकि छः हम जानते हैं कंपोजिट नंबर है, ये दो से भी डिविजिबल होना चाहिए और तीन से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दो से डिविजिबल तो है, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पे चार है। दो से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यूनिट डिजिट पे जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या दो से डिविजिबल होगी। तो चार है तो दो से तो डिविजिबल है, यानी हम किससे चेक कर लें, केवल तीन से चेक कर लें, और अभी अभी हमने तीन से चेक किया था, तो तीन से मान कितना आया था, चलो एक बार जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, एक प्लस दो प्लस छः प्लस नौ प्लस एक्स प्लस चार, तीन छः तीन नौ, नौ अट्ठारह, अट्ठारह और चार बाईस, यानी ये आएगा बाईस प्लस एक्स। तो तीन से डिविजिबल होने के लिए बाईस प्लस एक्स तीन से डिविजिबल होना चाहिए। बाईस डिविजिबल है क्या, नहीं है, बाईस में क्या जोड़ दिया जाए कि डिविजिबल हो जाए, दो, यानी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स की क्या है, दो है, कि ये तीन से डिविजिबल हो जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स सच दैट इट इज डिविजिबल बाय सिक्स, एक्स का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि ये छः से डिविजिबल है, तो हम जैसे ही यहाँ पे दो रख देंगे तो ये तीन से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार है तो दो से है ही है, यानी एक्स की वैल्यू अगर दो रख दिया जाए तो ये छः से भी डिविजिबल हो जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू क्या ले सकता है कि ये डिविजिबल हो जाए छः से, दो से तो डिविजिबल है ही है, तीन से चेक करने के लिए हम लार्जेस्ट वैल्यू रख दें कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये डिविजिबल हो, अगर नौ जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईस और नौ इकतीस हो जाएगा, इकतीस है क्या, नहीं है, इसका मतलब हम क्या जोड़ सकते हैं, केवल आठ जोड़ सकते हैं, तो एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आठ हो जाएगी, ताकि ये 22 प्लस 8 30 हो जाए, और 30 बटे 3 क्योंकि 3 से डिविजिबल है 30, तो ये संख्या पूरी 6 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि अब 3 से भी डिविजिबल हो गया 8 रखने पे और 2 से भी हो गया। मुझे हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल कि ये 6 से डिविजिबल हो जाए, 6 से विभाजित हो जाए, पूरा पूरा उसे काट दे, तो फिर से वही बात, 2 से तो है ही है ना। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बात कि हमने क्या चेक किया है कि कितने वैल्यू पॉसिबल हो कि ये दो से भी हो और तीन से भी हो, मतलब कि छः से हो, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चार है, दो से अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ हम तीन पे चेक कर लें, तो तीन का सबसे छोटा मान क्या रख दिया जाए, दो, उसके बाद पाँच, उसके बाद आठ, यानी कि टोटल कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे, तीन वैल्यू पॉसिबल होंगे कि ये छः से डिविजिबल हो जाए। तो इतनी बात आपको क्लियर है डिविजिबिलिटी की, जैसे कि हमने तीन से देख लिया, छः से देख लिया, चार से देख लिया, नौ से देख लिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, कुछ अलग नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत टफ पूछ लेता है, सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट की आत्मा बोलते हैं ना, वो कितने अच्छे से आपको आता है, अगर वो आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर ले जाओगे। अभी इसी क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, जो बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में, सेम क्वेश्चन होता और आपसे पूछता चार से डिविजिबिल, छः से डिविजिबिलिटी पूछता और ये एक्स यहाँ ना दे के ये एक्स यहाँ दे देता, मान लो यहाँ पे जीरो लिखा होता, कहाँ लिखा होता, आगे लिखा होता, ठीक, अब यहाँ मान लीजिए चार ही होता, ठीक, अब ये पूछता कि एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है कि ये तीन से डिविजिबल हो। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर तीन से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें फिर से जोड़ना ही पड़ेगा अंकों को, तीन छः तीन नौ नौ अट्ठारह चार बाईस प्लस एक्स, फिर से वही बात, बाईस प्लस एक्स को डिविजिबल होना है, क्या हो जाएगा, एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू दो कंटेन करेगा कि ये तीन से डिविजिबल हो, लेकिन अगर यहीं पे ये चार ना होता, यहां पे छह होता, अभी अंकों का योग जोड़िए क्या हो जाएगा, तीन नौ 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 अठारह, अठारह और छह चौबीस, अब ये क्या हो जाता,
24 प्लस एक्स। तो आप बताइए जल्दी से कि ये एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, ये तीन से डिविजिबल हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑप्शन आपका कुछ ऐसे दिया रहेगा, छोटी सी छोटी वैल्यू 0, 3, 6, 2। देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये संख्या है तीन से डिविजिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है, छोटा से छोटा मान है, हमारे दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आएगा कि हम अंकों को जोड़ लें और तीन से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों को जोड़े तो हमें 24 मिल गया, और जानते हैं 24 तीन से डिविजिबल है, मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चे यही गलत कर दे, यहीं पे गलती होती है, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि x आपका फर्स्ट मोस्ट डिजिट है ना, x आपका इधर से सबसे पहले डिजिट है, और अगर यहां पे 0 रख दिया गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 12, 6, 9, 6। लेकिन ये संख्या तो 5 नहीं 6 डिजिट की थी, अभी कितने डिजिट की है, 5। 0 रख देने पे इस संख्या का रूप ही बदल जाएगा, इसको फॉर्म ही बदल जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x नेक्स्ट वैल्यू लेगा, वो क्या लेगा, 3 लेगा। तो इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू कि ये 3 से डिविजिबल हो क्या होगा, 3 होगा, ना कि 0 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको फंसाता है ऐसे क्वेश्चन में, मैक्सिमम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे, तो इस बात को हम थोड़ा लेके चलेंगे अपने हिसाब से, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ पे 0 कभी नहीं हो सकता, वो चाहे 3 से पूछे, चाहे 4 से पूछे, चाहे 2 से पूछे, चाहे 9 से पूछे, इवन वो 11 से पूछे, किसी से भी डिविजिबिलिटी पूछ ले, यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। आप भी जैसे मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आपको सीट भी मिल जाएगी, सीट भी मैं आपको अवेलेबल करा दिया करूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन दिए हों, प्लस हम आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे ही लोअर की, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम चलाया है, आगे भी प्रोग्राम चलाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन सारे ऐसे मिलेंगे जहां से भी क्वेश्चन उठने की उम्मीद है एग्जाम में, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारी टीम आपके सामने लेके आएगी कि आप एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि हमारा यही ध्येय है, हमसे जुड़ा हर एक बच्चा सेलेक्ट हो इस बार यूपी ट्रिपल एससी लोअर के एग्जाम में। तो आगे देखते हैं भाई, हमने 2 का भी देख लिए, 6 के साथ में 6 का भी देख लिए, 3 का देख लिए, 9 का देख लिए, 4 का भी देख लिए, 8 में लास्ट के 3 डिजिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी चेक कर लेंगे, हम 11 का देख लेते हैं, ये थोड़ा एक स्पेशल केस लेके जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छे खासे बनते हैं। अभी आपका पिछले ही पेपर में आ गया था 99 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो 99 से डिविजिबल होने के लिए 9 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड है ना, ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा, 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। खैर अभी हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, संख्या दे दिया 2, 4, 6, 4, 7, 8, है ना, 6 अंकों की एक संख्या है, वो पूछा कि ये क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं, सीधा आपसे क्या पूछ रहा है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता है कि जितने भी डिजिट, जितने भी अंक इवन प्लेस पे आए और जितने भी डिजिट ऑड प्लेस पे आए, इनका सम और इनके सम के बीच का डिफरेंस, इनमें से चाहे इससे माइनस कर दो, इनमें से इसे माइनस कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां पे इग्नोर करके चलेंगे, इनके बीच का डिफरेंस मतलब विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पे आए हुए अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, वरना ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई, देखो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे ही। तो विषम अंक आपको कहां कहां दिख रहे हैं, 1, 3, 5,
इन स्थान पे आए हुए अंकों का योग क्या होगा? 2 + 6 + 7 जोड़ दो, 6 × 2 = 8 = 7 = 15 लिख लेते हैं यहां पे। उसके बाद ये तो हुआ विषम के स्थान पे आए हुए, सम स्थान पे आए हुए मतलब 2 के स्थान पे 4 के स्थान पे 6 के स्थान पे क्या क्या है? 4 + 4 + 8 यानी कि कितना? 16। एक तरफ आपका 15 है, एक तरफ आपका 16 है, इनके बीच का अगर आप अंतर लोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे बात समझ में? अगर इस संख्या को 11 से डिविजिबिलिटी चेक करता तो हम विषम अंकों के स्थान पे, विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग के बीच का अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल होगा तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इतना आपको क्लियर है? चलिए अच्छा इसी में देखिए, हाँ कर दीजिए, किस केस में ये डिविजिबल होता? अगर ये 2 की जगह 3 होता तो यहां पे 3 होता तो ये भी क्या हो जाता? 6 × 3 = 9 और 9 = 7 = 16। अब ये 16 - 16 क्या हो जाता? 0 हो जाता, तो ये संख्या अब क्या हो जाती? 11 से डिविजिबल हो जाती। और इससे पहले जब यहाँ पे 2 था तब 11 से डिविजिबल नहीं था। तो मेरे ख्याल से 11 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब वो कुछ भी ले ले, अभी आपका बीच में इसी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। यहीं पे वो क्या रख देता? x रख देता है ना, और पूछता कि x की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी कि ये 11 से डिविजिबल हो। तो फिर से वही बात, विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग हम निकालेंगे, सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग निकालेंगे, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। देखते हैं, विषम स्थान पे आए हुए 3, 6 और 7, 6, 3, 9 और 7 कितना? 16। ठीक, सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग 4, x और 8 कितना हो जाएगा? 4 + x + 8 = 8, 4 = 12 यहां पे आ जाएगा 12 + x है ना। x हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां पे आपको ध्यान देना है। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा? 4 - x, x नेगेटिव लेके चल रहा है, इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 12 + x - 16 कितना आ जाएगा? x - 4। x की वैल्यू छोटी से छोटी क्या रख दिया जाए कि ये डिविजिबल हो जाए 11 से। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए आप जानते हो या तो 0 हो, तो 11 हो, या तो 22 हो, या तो 33 हो, मतलब इसका कोई भी मल्टीपल हो तो वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो छोटी से छोटी वैल्यू x क्या ले सकता है भाई? अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रख दें तो ये मान 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी x की वैल्यू 4 रखने पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू 15 ले लें तो 15 - 4 = 11 हो सकता है, और ये 11 का मल्टीपल है, लेकिन फिर वही बात, x तो सिंगल डिजिट है तो हम 15 कहां से ले सकते हैं? यानी केवल और केवल एक मान संभव है, और वो क्या होगा? x = 4, वही सबसे बड़ी वैल्यू है, वही सबसे छोटी वैल्यू है। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो डिविजिबिलिटी पे जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए आपके, ये बेसिक हैं, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कहीं आपसे पूछने वाला नहीं है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप जान जाएं। एक बार में ना समझ में आए, 4-5 बार वीडियो देखिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए, किसी भी माध्यम से पूछिए, बस आप पूछिए, आप सेलेक्शन लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी के बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं यूनिट डिजिट का, और ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहा है UP SSSC का, यूनिट डिजिट। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है UP SSSC के विभिन्न एग्जामों में, और चांसेस हैं कि आपके लोअर में भी पूछे जाएं। जैसे ही एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, वहीं पर आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यूनिट डिजिट क्या है, एक बार हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो किसी भी नंबर जैसे 112 में ये आपकी यूनिट डिजिट होती है, जो सबसे दाहिने पे होती है, राइट मोस्ट पे होती है, वो क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है। फिर ये टेंस डिजिट होती है,
ये हंड्रेड होती है, और ऐसे ऐसे करके थाउजेंड और आगे बढ़ती चली जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार। तो ऐसे जो पूरा सिस्टम आपका चलता है इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात तो आपको मालूम है कि आपका पूरा सिस्टम किस में चलता है, 10 के बेस पे चलता है। और जब 10 के बेस पे चलता है तो 112 को हम कैसे लिखेंगे, भाई ये लिखा है 2 गुणे 10 के घात 0 प्लस 1 गुणे 10 के घात 1 प्लस 1 गुणे 10 के घात 2। अगर मैं इसे जोड़ूं तो 10 के घात 0, किसी के घात 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 के घात 1 प्लस 10 के घात 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे 100 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 100। अगर इसे जोड़ा जाए तो 100 प्लस 10 110 और 2 क्या हो जाएगा, 112। तो ये जो 112 है ये आपका इस सिस्टम पे आया है। तो ये जो आपका 2 है ना, मतलब क्यों, क्योंकि ये 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 क्या होगा, 1, इसीलिए यूनिट, इसीलिए इकाई, और इकाई के स्थान पे जो अंक है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक आपको एक्सप्रेशन दे देगा 112 गुणे 115 गुणे 117 गुणे 130 गुणे 144, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन है, गुणा करने पे क्या आएगा आपके इकाई के स्थान पे। तो भाई या तो आप इतना लंबा गुणा करो और उसके बाद फिर जो उत्तर आए उसे आप निकालो, जैसे अभी यही होता 11 गुणे 13 गुणे 15, चलिए 11 गुणे 13 होता, तो आप जानते हो 3 3 1 4 143 होता है, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अभी यही 15 होता, तो अब फिर इतना गुणा करते फिर यूनिट डिजिट पे निकालते, नहीं हर बार ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर आपका बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट बना है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई तरीका होगा, कोई बेहतरीन तरीका होगा जिसके कारण ये ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछता है। एक बात आप क्लियर रखिए, मैथ्स आपको फंसाने के लिए नहीं, आपको ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, कॉन्सेप्ट कितना जान रहे हो। तो बस आप यहां से देखिए कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन का हमें और किसी से मतलब नहीं होता है, हर एक संख्या के इकाई पे आए हुए अंक से मतलब होता है। जैसे इसमें 112 था तो किससे मतलब है, केवल 2 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे 4 से। ये तो बहुत स्पेशल केस है, मैं एक नंबर और लेके चलता हूं, 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 17। अगर ये नंबर होता तो वही बात, आगे कुछ भी लिखा हो, ये 111 113 115 117 कुछ भी लिखा हो, या 11 13 15 17 हो, हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 1 से मतलब है, 3 से मतलब है, 5 से मतलब है और 7 से मतलब है। इसे आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा यूनिट डिजिट पे वही हमारा आंसर होगा। उसे भी करने के लिए क्या, आप 1 से 3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसी 3 से 5 में गुणा करोगे क्या आएगा, 15। 15 का एक फिर से आप ड्रॉप कर दो, केवल 5 आगे चलो, और 5 का 7 से गुणा करोगे क्या आएगा, 35। 35 के जो यूनिट डिजिट पे है वही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 12 गुणे 22 गुणे 32 गुणे 42 गुणे 52, है ना, कुछ खास लग रहा है, सब में 10-10 का डिफरेंस है, मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 से 2 का गुणे करेंगे क्या आएगा, 4। 4 का 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 8। 8 का 2 से गुणा करेंगे क्या, 16 का फिर से आपको 6 ले लेना है, 6 का 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 12। यानी 12 का केवल 2, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं थोड़ा, 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 16 गुणे 18, ये नंबर ले लेते हैं। फिर से वही बात, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 1 6, 6 गुणे 4 24, 24 का क्या लोगे केवल 4, 4 गुणे 6 24 का क्या लोगे केवल 4, 4 गुणे 8 32, 32 का क्या लोगे आप केवल 2। तो इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो कितना भी बड़ा आपसे एक्सप्रेशन दे दे, आप केवल यूनिट डिजिट को करिए और करते चले जाइए। हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो यहां पे 0 है, एक 5 है और एक 2 है। अगर 5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10, यूनिट डिजिट पे 0 आ गया। यही पे 0 था, 0 का आप किसी से भी गुणा करिए आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। 2 का 5 से करेंगे 10, 10 का आप क्या लेके चलोगे, 0, 0 गुणे 7, 0, 0 गुणे 0, 0, 0 गुणे 0,
सब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी आपका अगर जीरो दिख गया तो आपको क्या समझ लेना चाहिए कि यूनिट डिजिट पे जीरो ही आने वाला है। ना जीरो दिखे तो कहीं एक पांच दिख जाए और एक दो दिख जाए तो भी आपका क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, क्योंकि पांच और दो आपस में गुणा करके क्या देंगे, दस, और दस की इकाई क्या होता है, जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम थोड़ा और स्पेशल केस लेके चलते हैं ताकि आपको क्लियर है, बहुत इसके हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, थोड़ा साइक्लिसिटी का टर्म आएगा उसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारी थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन उठाया था 12 × 22 × 32 × 42 × 52। अभी आप इसमें देखिए तो दो बार बार गुणा हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार दो है, 5 बार 2 है। तो अगर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जहां पे किसी यूनिट डिजिट का बार बार रिपीटेशन होता है तो वहां पे एक टर्म आता है साइक्लिसिटी। ये कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी के, मैं बहुत बेसिक में आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा जहां पे चीजें बार बार रिपीट हो। जैसे अगर इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 5। इसी को मैं बढ़ा दूं, मैं लिखूं 2 की पावर 2019 के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 5 तक था तो आप 2 की पावर 5 जानते हो 32 होता है, 32 का आप 2 ले लोगे। लेकिन 2 की पावर 2019 आपको पता है क्या कि क्या होता है, नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होगा कि 2 की पावर 2019 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन उसने यूनिट डिजिट पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारे पास कोई तरीका होगा जो इसे आसान बनाएगा। ये तरीका है और कुछ नहीं, ये क्या है, साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा साइक्लिसिटी के ही नाम से, तो वहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए एक बात समझिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई, किस 2 की पावर 2019 पूछ सकता है, 3 की पावर 2019 पूछ सकता है, 4 की पावर 2019 पूछ सकता है, 5 की पावर 2019 पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब जो ये बेस वैल्यू है आपकी, यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो भी ले लें, जीरो की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, जीरो। ठीक, ऐसे 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, एक ही आएगा। 11 की पावर 2019, ये और कुछ नहीं, ये 11 × 11 × 11 × 11 × 11 कितनी बार लिखा है, 2019 बार लिखा है, यानी 1 × 1 × 1 × 1 कितनी बार लिखा है, 2019 बार लिखा है, और हर बार 1 का 1 गुणा करके क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है, इसलिए 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 आएगा यूनिट डिजिट पे। केसेस हमारे बनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, यही थोड़ा अलग करते हैं। तो हम थोड़ा इसे समरी के हिसाब से देखेंगे, साइक्लिसिटी की बात एक हो रही है, बस आप इतना समझिए, आप एक करते चलिए कि 2 3 7 और 8 के केस में 4 की साइकिल चलती है। मैं बताऊंगा ये साइकिल क्या है एग्जैक्टली, 4 का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको अभी समझाऊंगा। 4 और 9 के केस में 2 की साइकिल चलती है, ठीक। अगर किसी भी कोई भी संख्या हो उसके इकाई पे 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5 और 6 ही आएगा। ये बात आप कहीं नोट कर लो, जितने अच्छे से आप अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, क्योंकि बस इतने पे ही आपके सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, क्वेश्चन आपका कितना भी डिफिकल्ट हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 की पावर 2019 क्या आएगा यूनिट पे, 0 ही आएगा क्योंकि यूनिट पे 0 है। 15 की पावर 2017 क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि आप 15 कितनी बार भी लिखो, 5 कितनी बार भी आपस में गुणा कर लो, आपको क्या मिलने वाला है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 25 = 5, 5 × 5 = 5, हर बार 5 ही मिलने वाला है। ऐसे 6 × 6 × 6 × 6 × 6 = 36 × 6 = 36 × 6 = 36 × 6, हर बार क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। तो अगर 0, 1, 5 और 6 आता है तो यूनिट डिजिट पे आपका केवल वही आएगा। 2 3 7 8 और 4 9 के साथ क्या है केस, अभी समझिए। अगर 2 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट पे क्या, 2 2 की पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट पे 4, 2 की पावर 3 हो तो 8, 2 की पावर 4 हो तो 16, यूनिट डिजिट पे क्या, 6,
दो की पावर पांच हो तो 32 यूनिट डिजिट पे क्या, दो दो की पावर छह हो तो क्या 64, 64 का क्या लेंगे चार, फिर दो की पावर सात क्या है 128, 28 का आठ, फिर दो की पावर आठ 256 का छह, फिर दो की पावर नौ 512 का दो, और दो की पावर दस 1024 का चार। अब यहां से कुछ खास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2486 2486 फिर ये 2486 ही आएगा। आप देख रहे हो चार चार टर्म बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही है साइकिल, जो चार का साइकिल मैं कह रहा हूं कि और कुछ नहीं, ये यही है कि जब आप ऐसे करेंगे तो आपको चार चार की साइकिल मिलती चली जाएगी। तो बस आप यहाँ पे समझने के लिए करिए, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लगेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए कि 233 की पावर 2018, ये क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया कि इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अब ऐसे देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि कुछ भी लिखा हो हमें मतलब किससे है, केवल यूनिट डिजिट से। पहली बात देखते चलिएगा, पहली बात वो कुछ भी लिखा हो हमें, सॉरी, हमें मतलब केवल किससे है, तीन से है, अब यूनिट डिजिट से है। अब उसके पावर में 2018 है, तो क्योंकि मैंने क्या बोला कि 2 3 7 8 के केस में साइकिल चार की चलती है, आप पूरा पावर को जो भी घात है उससे क्या कर दीजिए, चार से डिवाइड कर दीजिए। और फिर जब चार से डिविजिबिलिटी की बात आई, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि 2018 कोई भी नंबर हो, उसे चार से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें केवल लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, आगे कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो 18/4 करोगे तो 4 चौक 16 तो चला जाएगा, लेकिन 2 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और जो ये 2 रिमाइंडर है, यही आपका उत्तर देगा। आप इसको लिखिए और उसकी पावर वही 2 लगा दीजिए, उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। यानी जो भी आपका नंबर था उसकी पावर 2018/4 आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, 9 आएगा। यहीं पे अगर आपका 17 होता तो कितना रिमाइंडर आता, रिमाइंडर 1 आता, तो आप क्या करते, फिर 3 की पावर 1 लिखते, उत्तर क्या आता, 3 आता। अगर यहाँ पे आपका 19 होता तो रिमाइंडर आपका क्या आता, 3 आता, और रिमाइंडर 3 आता तो 3 की पावर क्या लिखते, 3 लिखते। यहाँ पे क्या आता, 27 का 7 लिखते। अगर यहीं पे आपका 20 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। और ध्यान रखिए, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, साइकिल से डिवाइड करने पे जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो 3 की पावर 0 नहीं होगा, 3 की पावर 4 होगा साइकिल का लास्ट टर्म। क्योंकि किसी के भी पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आप गलत दे देगा। रिमाइंडर 0 का मतलब वो पूरा पूरा कट कर दे रहा है, मतलब साइकिल आपकी वहां पे कंप्लीट हो रही है। तो 3 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 27, और 27 × 3 इसी का आपसे गुणा कर लीजिए, 7 3 21 आपका क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। जब आप 3 की साइकिल बनाओगे तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, इसी में आप गुणा कर सकते हो, देख लीजिए 4, इसी 7 में आप 3 से गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 21 का 1। तो साइकिल का लास्ट टर्म कौन सा है, 1 है, क्योंकि इसके आगे फिर रिपीट हो जाएगा, 3 9 7 1, ये 4 4 की साइकिल चलेगी, तो साइकिल का लास्ट टर्म 1 है, इसलिए आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट पे आएगा, आप क्या करो, केवल यूनिट डिजिट से मतलब हो, पावर को 4 से डिवाइड करो। किस केस में, जब यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 हो। जैसे एग्जांपल लेके मैं और समझा दे रहा हूं, अगर यहां पे आपका क्या होता, 2017 की पावर 2019, है ना, यूनिट डिजिट पे क्या है, 7, ये कायदे से लिखा है 7 की पावर 2019 लिखा है, क्योंकि 7 है तो साइकिल 4 की है, हमें केवल किससे मतलब है, 19 से मतलब है, 2000 में 20 से भी मतलब नहीं है। तो 19/4 रिमाइंडर क्या आएगा, 3, यानी उत्तर क्या आएगा, 7 की पावर 3। तो आप जानते हो 7 का स्क्वायर 49 और 49 × 7 9 7 = 63, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 3 आएगा।
आगे बात समझ में? तो जब भी यूनिट 8 के क्वेश्चन आएंगे हम ऐसे कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका मैं अभी करा दूंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो हमारी 2, 3, 7, 8 की हो गई, 0, 1, 5, 6 का हम देख लिया, हमारे पास बचता है 4, 9। 4, 9 के मैं आपको थोड़ा साइकिल आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, 16 का 6, फिर 4 की पावर 3, 6 × 4 ही कर लो 24 का 4, फिर 4 की पावर 4, 6 × 24, फिर 4 × 6, फिर 4 की पावर 5, 6 × 24, 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे केवल और केवल 2 की साइकिल चले, 4, 6, 4, 6। ठीक है सर, 9 के केस में 9 की पावर 1, 9, 9 की पावर 2, 81 का 1, 9 की पावर 3, इसी में 9 का गुणा कर लो 9, 9 की पावर 4, इसी में 9 का गुणा कर लो 1, तो 9, 1, 9, 1, इसमें भी 2 की साइकिल चलेगी। तो इसीलिए 4 और 9 के केस में 2 की साइकिल चलेगी। जो भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लो आपका आ गया 2014 की पावर 2019, फिर से बात हमें केवल 4 से मतलब है, 4 की पावर 2019, है ना। 4 के केस में साइकिल 2 की चलती है, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल 9 को देख लो, 9/2 करोगे तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब आपके उत्तर क्या होगा, 4 की पावर 1, 4 आएगा। अगर यहीं पे 2018 होता तो आप किससे कर लेते, 2 से डिवाइड करते, 8 से मतलब होता, रिमाइंडर कितना आता, 0, रिमाइंडर 0 आता तो 4 की पावर 0 नहीं, 4 की पावर 2, साइकिल का लास्ट टर्म, दूसरा टर्म इस केस में, तो क्या आ जाएगा, 4 × 16 यानी कि 6। ठीक, ऐसे 9 के भी केस में देख लेंगे तो ऐसा हमारा उत्तर हो जाएगा।